जय माँ लक्ष्मी, मेरी चोली भर दे। आज तो इस अलमारी से कुछ ना कुछ तो निकाल के ही रहूंगा। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाबूजी, वो साफ कर रहा था अलमारी, बहुत दिनों से साफ नहीं की ना। आपके लिए कुछ लाऊं? चाय? हाँ ठीक है, जा चाय ले आ। फिर तू ही तो है जिसे मैं कुछ कह सकता हूँ इस घर में, बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त है। मेरा ये करोड़ों का बिजनेस किसके लिए है? इतनी बड़ी संपत्ति कितनी मेहनत से कमाया मैंने ये सब। को जीना भूल जाते इन लोगों के लिए, और ये है कि रे अभी भी खड़े खड़े क्या सुन रहा है? जा नीचे जा, और बोल रहा हूं ना, चाह नहीं आया मार जुन्नो। जी मालिक। मिंटू, मेरी साड़ी पुरानी हो गई है, मेरे पास एक नई साड़ी नहीं है। तुम्हारे पापा ना, हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक मुझे एक साड़ी नहीं दी उन्होंने। अरे साड़ी तो छोड़ो, मुझे आज तक उनके हाथों से एक 500 की हरी पत्ती नहीं दिखी है। मतलब क्या है यार, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, मेरे भी तो कोई अरमान है ना, कुछ तो मिलना चाहिए मुझे। आखिर कब तक चलेगा ये सब? वो 100 रुपया नहीं देते हमें, बस सुनाते रहते हमेशा। बस इसी की कमी थी, नए नए कपड़े। तुम्हारे भैया बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं वो, और जैसे उनको पैसा दिखता है ना, ऐसे उनके मुंह से पानी। यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है मेरे बारे में? और तुम क्या बोल रही थी? भैया को पैसों के बारे में पता चलेगा और मुंह खुल जाएगा। था मोहन, ए तो चुप चुप के क्या कर रहा है, बातें सुन रहा है? नहीं नहीं दादा बाबू, मैं तो सिर्फ पर्दे साफ कर रहा था, बहुत दिनों से साफ नहीं हुए ना इसीलिए, और इतने में आप आ गए। ये पर्दे साफ करते करते ना एक दिन इस घर को साफ कर देगा मिंटू, देख लेना। उस दिन बाबूजी को पता चलेगा अपने प्यारे मन के कारनामे। साफ कर, साफ कर। साफ कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कुछ भी साफ नहीं किया, पता नहीं इनको कैसे पता चला मेरे इन नेक इरादों के बारे में। जिस दिन मैं साफ करूंगा ना, उस दिन पता चलेगा इन सबको मोहन क्या चीज है। आओ मोहन आओ, क्या समाचार है आज का? ये समाचार तो बहुत है, लेकिन सोचता हूँ पहले आपको एक ग्लास दूध पिला दूँ। दूध? वो क्यों? आज नागपंचमी है ना, तो हमारी अम्मा क्या करती थी, नागपंचमी के दिन नाग को दूध पिलाने से पुण्य लगता है। तूने मुझे नाग कहा? मैंने नहीं कहा, देव भैया ने कहा। सोनू नाग का कुछ बंदोबस्त करते हैं, मैंने अपने कानों से सुना। अच्छा, उन्होंने मुझे नाग कहा? तुझे हंसी आ रही है? चल निकल नाग, निकल। मैं तो बाबा के लिए पायस ही बनाऊंगी। मैं आलू पोस्त तो बनाऊंगा। पायस पोस्त तो, पायस पोस्त तो, पायस पोस्त तो, पायस आलू पोस्त तो। कुत्ते के तुम, टेढ़े के टेढ़े, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। पापा, मेरी नया ड्रेस पहना है, कैसी लग रही हूँ? एक्चुअली आज बहुत स्पेशल ओकेशन है, मैं और मिंटू आपके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम बहुत सारे सूट और कुर्ता खरीदेंगे, और आपके फेवरेट कलर्स और पैटर्न्स तो मिंटू को पता ही है। वैसे आपको और कुछ स्पेशल चाहिए? छोटू बूमा, जब से शादी होकर इस घर में आई हो, तुम्हारा शॉपिंग तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
लेकिन घर में कुछ और काम भी होते हैं, कभी वो भी कर लिया करो, कभी अपनी दीदी का हाथ भी बटा लिया करो। ये बलेटा तो तुम्हारा होता है ना, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तुम खुद नहीं कर सकती। और वो मुझे बार बार तुम्हें बताना क्यों पड़ता है? बाबा आपने फिर से नेहा को रुला दिया है? मुझे जाके मनाना पड़ेगा उसको फिर से है? मुझे जाके मनाना पड़ेगा उसको। बाबा एक तो सॉरी बोला था मैं बोलूं उसको सॉरी? मेकअप तो खराब नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं सर, जलते तुमसे खूबसूरत लग रही हो। तो क्या ड्रेस है? ऐसे ड्रेस पहनना झक्कास। अच्छा तो तू मुझे सिखाएगी कि कैसे चलना है? हा? सही कहा, थोड़ा सा जरा इनकी नजरें हटे तो ही इन्हें कुछ और दिखे, मगर नहीं, पापा की दौलत पर इनकी नजरें चिपकी हुई है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हा? सोनू अपने बहुत से कोई ऐसे बात करता है? बदतमीज कहीं का। आप तो चुप ही रहो भैया, आप तो बस भाभी के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हो और मेरे पे चिल्लाने के लिए आ जाते हो। कुछ भी बोल रहे हैं। और एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए भैया, प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है, मैं भी इस घर का मजला बेटा हूँ। तुम लोग का झगड़ा खत्म हुआ तो बाबा आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? शोर शराबा क्यों हो रहा है? ना ना बाबा, फिर झगड़ रहे तुम लोग। बाबा हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, मैं तो छोटी को समझा रही थी कि आपका फेवरेट आलू पोस्ट तो कैसे बनाते हैं। बाबा वो मुझे कुकिंग नहीं आती ना, तो मैं आपके लिए सीख रही हूं। चलिए बोलिए। हां मैं आ रही हूँ ना, चलो सब ठीक है, सब ठीक है। आई मीन यू। चलो चलो बोल। ए बोल भाई, दुख आप चाह नहीं है तो की बोल रहे आप ये है यहाँ पे? अच्छा तू तो प्रश्न करिस क्या बोलतो? ओके जा बोलो से दुख आप चाह नहीं है तो फटाफट नहीं आ जा।